मूव्स चेक करें इसके। हरा देख के दिल खराब हो गया, हमने सोचा आप लोगों का भी करें साथ। ये अकेला था, अब इसकी पूरी फैमिली आ गई। बस की टुकड़ी हो गई हूँ इन्हें डेकोरेट करके गोस्ट बनाने के लिए। अब तक यहाँ की सबसे फेवरेट जगह है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम है आप सबका एक और व्लॉग में। होप है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतने अच्छे फीडबैक के लिए। चैनल हमारा ग्रो करना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बन के आ चुका है जी नाश्ता। नाश्ते में वही हमारे ट्रेडिशनल अंडे पराठे, वही चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी और अरहम की तरफ से भी। अरहम अभी बिजी है, चलें जल्दी से नाश्ता करते हैं फिर। तो ये देखें आज वेदर कैसा है, सनी है और बारिश भी हो रही है। और ये देखें और ये देखें मेरा क्यूटू अरहम। अरहम कहाँ जा रहे हैं आप? चले चले चले। और ये देखें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही हम ले जाना भूल गए, अरहम का फीडर। पता नहीं आज हम कैसे भूल गए। हाँ जी अरहम, तो अभी लेने गए हैं अदील फीडर अरहम का। और आज अरहम क्या हो गया, और आज ये दोनों प्रिंस सीट पर हैं, एक छोटा प्रिंस इधर और एक बड़ा प्रिंस इधर होगा। हाँ जी, तो ये देखें सबसे पहले हम आए हैं ये पोस्ट ऑफिस। यहाँ से हमने करना है अपना एक पार्सल पिक। हमने फर्स्ट टाइम जो है वो तीमो से की है शॉपिंग, तो अभी पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। तो अभी हमने ना असल में दो ऑर्डर किए हैं, एक हमारा डिलीवर हो गया और एक भी हमारा होना है। तो जब वो हो जाएगा हम आपको रिव्यू देंगे कंप्लीट कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है तीमू पे। ये देखिए यहाँ से आपकी पार्सल वो यहाँ ड्रॉप कर जाते हैं और आपने ख़ुद पिक करना होता है। ये 24 घंटे खुला होता है, आप किसी भी टाइम पिक कर सकते हैं। तो दोनों पार्सल जब हमें मिल जाएंगे तो फिर हम आपको रिव्यू भी देंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमने किया है ऑर्डर तीनों से। हाँ जी, वेरी फर्स्ट टाइम। मैं बता रही थी कि अभी हमारा एक और पार्सल आ रहा है, फिर हम रिव्यू देंगे कैसा। हाँ, फिर आपको तीनों का रिव्यू देंगे, कितना डिलीवरी टाइम लगा, क्या है, सब कुछ बताएंगे प्राइसेस के साथ। बिल्कुल। और ये देखें सेकंड स्टॉप है यहाँ पे, ये कपड़े ड्रॉप करने जो हमने अब यूज़ नहीं करने और हम के जो छोटे हो गए हैं यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। आपको याद होगा एक पहले व्लॉग में भी दिखाया था हमने। तो यहाँ पे क्या है, आप कपड़े रख देते हैं तो वो फिर उनको वॉश करके दोबारा पैक करके अगर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो उनको दे देते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं रेकियाविक में और यहाँ पे वेदर जो है वो हमारे सिटी की नस्बत थोड़ा सा बेटर है। और अभी जो है थोड़े काम करने वाले हैं वो करते हैं, अभी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको शॉपिंग मॉल में पहुंच के दोबारा से। मैंने कहा मैं आपको ज़रा वेदर भी दिखा दूँ। विंटर जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये देखें अभी हम आए हैं एक शॉपिंग मॉल। इसमें पहले मेरे ख्याल से हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए सोचा कि यहाँ पर भी ज़रा व्लॉग ऐड कर लिया जाए। ये देखें यहाँ विंटर्स के कपड़े आ गए हैं हर तरफ। तो हमने सोचा है आज अरहम के लिए हम ये लेते हैं। हाँ, इसमें आपको घुमाते हैं बिठा के, इतना मज़ा आएगा। लेकिन इसमें हमें चाहिए कॉइन। No point. Oh, अच्छा ये की है, इससे ये अनलॉक होगा। और इसको इधर ही वापस कर देंगे। ओके, तो ये देखें अरहम को, अरहम उठ नहीं सकते, बेल्ट लगा दिया आपको। ये अरहम आज आपको मजा आएगा इस पे घूम के। देखिए यहाँ से आपका कोई व्यू भी नहीं ब्लॉक हो रहा। अभी अरहम सो के उठा तो थोड़ा स्लीपी स्लीपी लेजी लेजी है। चले अरहम, लेकिन अरहम इसमें मुझे पता है इंजॉय करेगा क्योंकि सारा व्यू से नजर आएगा ना। तो यहाँ हम आए हैं सबसे पहले H&M। यहाँ से हमने लेने हैं अरहम के कुछ कपड़े। और सबसे पहले हमने ये लिया है अरहम, ये नहीं ये लें। अरहम बहुत एक्साइटेड होता है अपनी चीजें लेते हुए। तो ये हम ले रहे, ये ऑफर है यहाँ पे 342।
तो वो वाले लिए, और कौन से लें? ये सारे ऑप्शंस हैं बॉडी सूट के, बॉडी सूट लेने अरहम के लिए, है ना अरहम? ये हमने ले लिए स्लीवलेस, अब स्लीव्स वाले लेते हैं। ओके अरहम, अरहम बस चेक कर रहा है कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है, सब कुछ चेक करना है। और ये देखें, ये हमें इतना क्यूट सा लगा है अरहम के लिए, तो ये है पाकिस्तानी 1600, नहीं यहाँ के 16 मतलब पाकिस्तानी 32 का। और ये अरहम को देख के इसका रिएक्शन देखते हैं। अरहम ये रे, अरहम बहुत हैप्पी होता है। ये आपने नीचे फेंक दिया अरहम, ये नहीं आपने लेना, ये भी लें। अरहम बहुत हैप्पी होता है अपनी शॉपिंग करके। और ये देखें हम अरहम पर क्या ट्राई कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आगे जाके। मैंने बोला ये छोटी है, ये यही साइज है, नहीं वो छोटी है, ये देखें। ओ क्यूटी अरहम, अरहम क्यूटी। ये देखें अभी मैंने पहनाई है ना, ठीक। अरहम, अरहम बिजी है, चलें अरहम हम नहीं ये ले रहे। ये देखें ये हेलोवीन आउटफिट्स हैं, ये इसमें से हमने अरहम को कैप, ये वैसे बड़ा क्यूट लगेगा अरहम पे, लेकिन अरहम आपने ये आपने जाना कहाँ है पहन के? जब अरहम बड़ा होगा ना फिर हम अरहम को रेडी किया करेंगे, जाएंगे कैंडीज कलेक्ट करने, फिर ये पहनेंगे और ऊपर कैप पहनेंगे। तो यहाँ से हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो करनी थी वो हो गई है डन, और अरहम चले उठ जाए, आपको बड़ा मजा आया हुआ यहाँ पे। नहीं उठना, नहीं उठना, नहीं नहीं उठना पड़ेगा, ये घर ले जाए साथ, हम घर ले जाए साथ। अरहम को उठाते हैं फिर इसका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अरहम ने आज बहुत इंजॉय किया इसमें, वरना अब वो स्ट्रॉलर में तो तंग कर रहा होता है। ये उठने के लिए रेडी है, ये तो चले चले चलते हैं, इसे वापस यहाँ पे बंद करते हैं। और ये की वापस कर देते हैं। ये यहाँ पर है, आप व्हील चेयर्स ले सकते हैं, आप ये वाली चेयर्स ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम आए हैं ये एशियन सुपरमार्केट, यहाँ पर भी हमने लाजमी आना होता है ऑफ डे में, क्योंकि सारी देसी चीज़ें जो हमें हैं, देसी ग्रॉसरी, वो तो यहीं से मिलती है। हेलो क्यूटू, चलो चलो चलो। और ये एशियन मार्केट का विज़िट तो हमने आपको करवाया ही हुआ है एक दो ब्लॉग में थोड़ा बहुत, तो इसलिए इस दफा करते हैं इसको स्किप, कोरियन हॉट एंड स्पाइसी स्किप स्किप करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट बस क्लिप्स लेते हैं। अरहम का पूरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खोल के इसमें से कुछ पकड़ूं, अरहम को ये डंपलिंग्स डंपलिंग्स अच्छे लग रहे हैं। अरहम अरहम आपने डंपलिंग्स खाने हैं? कोई बात नहीं अरहम, जहाँ आप ट्रेवल करने वाले हैं ना वहाँ भी बहुत अच्छे डंपलिंग्स मिलते हैं, वहाँ चल के खाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं अभी बताया कि हम कहाँ ट्रेवल करने वाले हैं। ये देखिए और हम हर चीज चेक करते हुए, ग्रीन चिली है, ये देखें ये पता नहीं क्या चीज़ है, इतनी अजीब, ये भी पता नहीं क्या है, अजीब अजीब सी वेजिटेबल, ये देखिए यहाँ पर भिंडी भी ऐसी खानी पड़ती है, ले 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 ले, और ले ले। ये देखिए ये पता नहीं क्या गंद है, लिखा हुआ है क्यूकलिंग वेरी वैक्यूम, उसको बोल। और ये भी देखिए ये भी पता नहीं क्या है, कैसी कैसी चीजें खाते हैं लोग, अजीब सा हुआ है, पता नहीं चिकन का जो सारा गंद है ना वो है मुझे लगता है। यहाँ पे निहारी हलीम मसाला तो नहीं मिलता, लेकिन शुक्र है बिरयानी मसाला तो मिलता है, ये भी ना मिलता तो हम क्या करते हैं, हम
बिरयानी के बगैर तो हम पाकिस्तानी नहीं रह सकते। ये है घर पे काफी पड़ा हुआ। तो बिरयानी और ले लो। और ले ले। कौन सी वाली? वो मैंने कौन सी सिंधी ली है तो अब ये वाली ले लें। चिकन, ये माला है, चिकन। हाँ फिर सिंधी ही है सिर्फ यहाँ पे, इस दफा यही ले लें। और ये जरूर हमने लेना होता है साग। और ये देखें जैक फ्रूट और ये सारे फ्रूट्स भी टिन में। मैंगो भी यहाँ पे वाला होता है। फ्रेश चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये देखें शान के अचार भी यहाँ पे आए हुए हैं फर्स्ट टाइम। आलमंड भी है। हाँ आलमंड देख के तो मेरे हस्बैंड ने ले लेना क्योंकि बड़ा पसंद है मेरे हस्बैंड को आलमंड। ये ट्राई करें? नहीं फिर चिली वाला ले। मिक्स मिक्स ठीक है। ये वाला हाँ ये भी अच्छा लगे। ठीक है ये हाँ। और ये देखें ये पता नहीं क्या है और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दांत हैं। ये देखिए हम दांत मसाला बनाएंगे। और यहाँ अरहम का जो है नॉटी मूड ऑन हो गया है। बार बार इसने अब फेंकना है और हम इसे पिक करके दें। ये देखिए ऐसे कौन करता है शांति। ये गया ओपशी। ये वाला जो अरहम का मूड है ना ये बहुत अक्सर एक्टिव हो जाता है जब भी अरहम कोई चीज पकड़े। ओपशी चले बस करें। उपशी, उपशी। One, two, three, का। और ये देखिए हमें क्या मिला है जिसका हम सिर्फ अपने बड़ों से सुनते हैं। एटलीस्ट मैंने तो सिर्फ सुना बाजरे का आटा है। और ये कोई और भी है रागी फ्लावर। ये किस चीज का है आप लोगों को पता हो तो आप बताना। हम मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। अम्मी बड़ी मुश्किल से कहीं से मिलता था ना तो बहुत खुश होके लेते थे। ये बाजरे का तो मुझे समझ आ गया। ये रागी फ्लावर क्या होगा? ये भी होगा कोई। ये ब्राउन ब्राउन बाजरी है। बाजरी और बाजरा एक ही होता है। हाँ बाजरी बाजरा। ये ना वही मेरी जो आंटी है ना उन्हें पता होगा। वो जरूर बताएंगी। उनको बड़ा पता होता है ये इन चीजों का क्योंकि वो भी बहुत एक्सपर्ट है ना कुकिंग में। आंटी आंसा पता है ना मैंने हाँ, बताया था उनकी कुकिंग बड़ी जबरदस्त है तो उन्हें जरूर पता होगा। तो ये बाजरा बाजरी का डिफरेंस हमें वो बताएंगे। ये देखें ये भी मैं पाकिस्तान में लेती होती थी देखती थी यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा। पता नहीं फिलिपीन शॉर्ट ब्रेड कुकीज ये कोई फिलिपींस का है लेकिन ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई है मुझे। ये भी उसी तरह के बने हुए हैं। हाँ ये भी। फिर ये पीनट्स वो क्या देखी थी डोडा बर्फी। इसमें क्या है लड्डू नहीं पतीसा भी है। पतीसा और बूंदी बूंदी के लड्डू। अरे हम एक मिनट आ गए हम गुड़पारा। और वो क्या है अपशी अपशी। वहाँ से हमने कर ली जी शॉपिंग अपनी कंप्लीट और अभी हम आ गए हैं कोस्को में और फिर हमने एकिया भी जाना है वहीं पे। तो अभी जो है ये कोस्को पहुँच चुके हैं। जब हम आए थे तब सनी डे था अभी फिर जो है क्लाउड्स आ चुके हैं तो इसी तरह ही। ये देखें हम आए हैं यहाँ कोस्को और ये देखें जरा अभी तक की सबसे मज़े की हेलोवीन डेकोरेशन मुझे ये लगी है। मूव्स चेक करें इसके। ये देखें बड़े मजे की चीज लगी हुई है। इसमें तीन पॉट्स भी हैं और इसकी प्राइस जो है रीजनेबल है 10,000 क्रोनर है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक है और ये स्लो कुक्ड के लिए है। अगर इसमें ये देखें यहाँ पे और डेकोरेशंस आ गई और मुझे तो ये डेकोरेशंस बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं ये क्रिसमस डेकोरेशंस तो मैंने सोचा ये भी शेयर करूं। ये देखें लास्ट टाइम ये अकेला था अब इसकी पूरी फैमिली आ गई है। ये देखें कितने इसके तीन चार बच्चे भी आ गए हैं साथ। ये है 48,000 का
और ये देखें ये भी आ गई हैं, ये 50,000 यानी पाकिस्तानी 1,00,000 की तीन का सेट है ये। क्यूट, मुझे बहुत मज़े की लगती हैं ये डेकोरेशंस, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। और ये देखें कुक्ड ऑक्टोपस, हमारा देख के दिल ख़राब हो गया, हमने सोचा आप लोगों का भी करें साथ। लेकिन ये अच्छा है, हमस तो बस हम वहीं पे ट्राई करेंगे जहाँ हमने जाना है, और कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताना हमने। मुझे लगता है मैंने कोई ज़्यादा ही हिंट्स दे दिए। और ये मस्ट चीज़ हमेशा जो हमने लेनी होती है, अंडे। और ये आटा, गोल्ड चक्की आटा। पाकिस्तानी बदन ये आजकल क्या प्राइस है इसकी? यहाँ पे हमें पड़ता है 3,000 का 10 kg, मतलब 300 क्राउन का 1 kg पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी 650 रुपीस बनते हैं। तो ये 100% वही है वेट फ्लावर। लेकिन ये मुझे कोई नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्यों। वो वाला आया नहीं, पहले वाला। तो अब हम आगे हैं ग्रोसरीज के लिए, तो ग्रोसरीज करते हैं यहाँ पर। ये प्रेस मार्केट, इसमें हम आए हैं, यहाँ पे ज़रा रेट्स जो हैं वो रीज़नेबल होते हैं, और आप लोगों ने कहा था कि हमें प्राइस कंपैरिजन बताएं ग्रोसरीज का, तो वो हमने सोचा ज़रा यहाँ पर चल के बताएं जहाँ पे वैसे भी प्राइस ज़रा रीज़नेबल है। तो चलें देखते हैं। ये देखें प्यारा सा बेबी इधर बैठ गया है, और अरहम, बस और 1-2 साल में ये अरहम की होगी कार्ट और ये हमारी होगी, है ना अरहम? ऐसे है कोई प्लान आपके? फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से। नहीं, हमने सुना था कि यहाँ पे प्राइसेस बाकियों से कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा है बाकी जगह से। एक चीज जो अच्छी है यहाँ पे, वो पाकिस्तान जैसी ये ओपन चिली मैंने पहली बार देखी है। हाँ, पहले कभी नहीं मिली, वरना बस पैकिंग में आ रही होती है ना, वो जो है वो स्वीट चिली होती है ना। अच्छा। लेकिन ये स्वीट नहीं है, क्या पता ये वैसी हो, बस ओपन में हो। चलिए ट्राई कर लेते हैं इसको। हाँ, ओहो, इनके ग्रेप्स भी महंगे हैं बोनस से, इनके ब्लूबेरीज भी महंगे हैं। हमने सुना था कि प्राइसेस यहाँ ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है। ये देखिए ब्लूबेरीज वहाँ पे 1100, यहाँ 16, वो महंगी है बोनस से। बोनस में ये 1100 का पैक है, यहाँ पे 1600 पाकिस्तानी, 3200 आप लोगों के लिए आज स्पेशल बना रहे हैं प्राइस कंपैरिजन व्लॉग। और हम क्या हो गया, क्या लेने आपने? 1 kg 2,000 की पाकिस्तानी, 4,000 की 1 kg है ये वाली, और वहाँ पे तो सब्जी के साथ वैसे ही फ्री दे देते। जिंजर जो है हमारे पास, अदरक यहाँ पे है 700 की kg, पाकिस्तानी 1500 की। टमाटर जो है वो पाकिस्तानी 800। अदरक तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पे भी ऐसी है, खराब है ये? नहीं, ये सारी इसी तरह ऊपर से, पता नहीं ये कोई और टाइप होगी शायद, खराब नहीं है लेकिन इसी तरह। ये देख, अरे हम ये लें पकड़ लें, तुमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे ये पर पीस मिलता है 1 piece 234 का, कोई भी पीस आप ले लें, छोटा बड़ा। जिसकी पाकिस्तान में बिल्कुल प्राइस नहीं होती, यहाँ पे ये 1200 के kg है शलजम, और वो भी इतनी बुरी हालत में। और हैं भी कुछ फ्रेश नहीं है इतने, वो ऐसे मरे मरे से लग रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी 1200 के kg है, तो जिन लोगों को फ्री में मिलते हैं कदर किया करें भाई। हाँ। अरहम, आपको चिली पकड़ा दूँ? नहीं नहीं, अरहम ने तो कहना है पकड़ा दी, और अरहम ने खा भी लेनी है। लेट मैच, ये फेवरेट फ्लेवर अभी तक का। हाँ, ये अच्छे थे, मजे। विनेगर वाला तो बहुत ही गंदा था। इनका चिकन सही है, रेडी वाला जो हम तो खा नहीं सकते, हलाल नहीं है। लेकिन इन्होंने देखे 1460 का लगाया हुआ है, और वो पूरा चिकन है मैरिनेटेड, जिसको नहीं रेडी रेडी। हाँ, पाकिस्तान में इसको सजी बोलते हैं। ओह अच्छा अच्छा, ये कुक्ड है ना बिल्कुल? ओह हाँ, ओके, शवाया बोलते हैं हम इसे पाकिस्तान में, इसको सजी बोलते हैं। ये देखें फ्रोजन आइटम्स, ये स्वीट कॉर्न 500 की 860 ग्राम्स, 1 kg मिक्स वेजिटेबल्स 500 की,
हाँ, ये जो आपने बोला था कि आप हमें जो है ना वो प्राइस डिफरेंस बताएं ग्रोसरीज का, ये आपके लिए अभी स्पेशल वीडियो है। ये यहाँ की सबसे सस्ती मार्केट है, रिसेंटली ओपन हुई है। तो ये जो आप यहाँ पे जो हम प्राइस आपको बताएंगे वो पाकिस्तान में आप डबल कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने की, मतलब अगर ये 599 का है तो ये पाकिस्तानी 1200 बन जाएंगे। माचो बीन बर्गर्स वेज, लेकिन ये प्राइस ठीक है 600 के। इसमें कितने पीस हैं? अच्छा 270 ग्राम के हैं ये, इसमें होंगे मेरे में टू है सिर्फ ए, लेकिन ठीक है। वेगन बहुत महंगा होता है यहाँ पे, सबसे महंगा जो होता है वो वेगन है। तो ये तो सही हैवी स्पाइसी वाली तो अच्छी होती है। ये मिंस बीफ का लगा हुआ है 300 ग्राम का। ये हैं वेगन स्निचल, ओके ये भी सही है, ये भी सही है भाई। फ्रोजन ब्रेड है ये, 1000 से। ये फ्रोजन ब्रेड्स भी हैं और ब्रेड्स भी चाहिए थे ना। हाँ ब्रेड्स लेके तो आज हमने वो फ्रेंडली मोस्ट फ्रेंडली वाली डक्स के पास जाना है। व्लॉग आपने एंड तक देना, वो जो सबसे प्यारी वाली जगह थी ना जहाँ पे वो इतनी प्यारी फ्रेंडली डक्स थी, वहाँ जाएंगे हम। ये देखें टोमेटो पिज्ज़ा है, अच्छी प्राइस है इसकी, दो है इसमें 635 ग्राम बनते हैं 1000 के, 1000 के। और ये 500 का है फ्रोजन पिज़्ज़ा, बस इसको रखिए ओवन में 10-15 मिनट और रेडी। ये सारी तो यूके की प्रोडक्ट्स है, इनमें पाउंड्स में इन पे लगी है प्राइस है। ये क्या एनी 345, अच्छा लेकिन यहाँ पे 400 का एक इन्होंने अपनी प्राइस लगाई है। 5 पाउंड से कम बनते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक एक इतने का है। लेकिन ये भी ठीक है, ये देखिए पैन पिज़्ज़ा जिसकी आपने वीडियो बनाई थी वायरल हुई थी, ये वाले पोटैटो। हाँ स्माइली पोटैटोज, ये देखें इसकी मैंने खुद ये बनाए थे। वाह अच्छा ये ऐसे भी मिलते हैं, मुझे पता ही नहीं था। आजकल ये बड़े बंदे खा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट। हाँ ये बहुत चल रही है। अच्छा ये जस्ट चीज़ वाला है, ट्रिपल चीज़। उसी दो कबलेट वलाड़ के पिज़्ज़ा पॉकेट बना लें। कुछ भी बस चीज़ों को बना के कोई भी नाम दे दे, सब चलता है कुकिंग में। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह सिर्फ जो हैं वो 800 के 1 kg हैं। ये हैश ब्राउन्स हैं, तो आप बताएं पाकिस्तान की प्राइसेस तो मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि फिर चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं प्राइस या पाकिस्तान में इससे बेटर है। और ये देखिए, हाँ ये वाली क्रीम मेरे ख्याल से ये वैसे थिक होगी जैसे पाकिस्तान में नेस्ले की होती है फ्रेश क्रीम। हाँ। तो वहाँ पर वो कितने की होती है? ये तो 300 का हमें ये छोटा सा मिला है। ये कितना होगा? ये 250 ग्राम्स है, लेकिन ये उन्होंने वेगन बनाई हुई है, मतलब ये मिल्क। हाँ इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही होती है नॉर्मल। बटर चाहिए हमें? बटर हाँ चाहिए, लेकिन ये सॉल्टेड ही होगा इसमें। हाँ इसमें वो है अनसॉल्टेड, ये ग्रीन वाला, लेकिन इसमें बड़ा नहीं है। ओ सॉल्टेड, हाँ ये अनसॉल्टेड है, इसमें बड़ा नहीं है, बड़ा वाला चाहिए। और ये दूध जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। हाँ फुल फैट होल मिल्क यहाँ पे हमें मिलता है, ये 230 का जो है ना 1 लीटर है। 230 का 1 लीटर पाकिस्तानी, 500 का, हाँ 500 का 1 लीटर। लेकिन वैसे वहाँ पे कितने का होता है? वहाँ पे मेरा अभी 200 का 1 लीटर है आई थिंक सो। यहाँ मतलब डबल से भी ज़्यादा है। चीज केक्स और सारी चीज़ें, ये भी सारी चीज़ें फ्रोजन। ये देखें हम की बस यही शरारती है, मैं चीज़ें फेंकता रहूँ और ये उठाते रहें। ये अच्छा केक स्पॉन्ज, विक्टोरिया स्पॉन्ज, लेकिन मेरे जैसा स्पॉन्ज केक कोई नहीं बना सकता। ये मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। ओके ले लें अगर अच्छा लग रहा है तो ट्राई करने। ओ हमारे पास अभी ये वाला और ये वाले भी पड़े हुए हैं, पता है? जो ले के आए थे वो। हाँ ये भी पड़े हुए हैं हमारे पास, ये स्ट्रॉबेरी वाला और चॉकलेट चीज़। चलो नेक्स्ट टाइम ये ले लेंगे।
ये देखें, ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें 10 पेस्ट्रीज हैं डिफरेंट टाइप की, बस इन्हें डिफ्रोस्ट करिए और सर्व करिए। 1600 की है पाकिस्तानी, 3200, तो लेकिन कितना अच्छा ये ऑप्शन है, आप रखें, गेस्ट आए आप फौरन सर्व करते, भागने दौड़ने वाला काम नहीं करना पड़ता। स्पाइसी मिक्स फ्राई, ये स्पाइसी कहाँ से होंगे? तो ये देखें, लेते हैं ये ब्रेड्स, और ये ब्रेड हैं यहाँ पे 300 के, और ये ब्रेड आपको पता है ना हम उन डक्स के लिए ले रहे हैं, पीटा ब्रेड्स में खुद इतने अच्छे बना लेती हूँ, लेने हम अगर कुछ बनाना है ऐसा तो। और ये देखें, कैंडल चाहिए, अरहम की बर्थडे आ रही है, लेकिन इसमें भी वन नहीं है, कहीं पर भी हमें वन नंबर नहीं मिलता, देखेंगे कहीं और से मिल जाए शायद। मिनी फ्रिज, हाँ, इसमें अपनी चीजें स्टोर करें। ये है 10,000, हाँ, 4 लीटर इसकी स्पेस है। ये देखिए, मेकअप ब्रश वॉश करने के लिए छोटा सा क्लीनर, क्लीनर एंड ड्रायर गिफ्ट सेट, 6,000। ये देखिए जरा, कार्ट बेबी 10,000। तो यहाँ का रिव्यू हम ये देते हैं, फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे लेकिन हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया ग्रोसरीज करके, एक तो सारी चीज़ों की जगह डिफरेंट है शायद इसलिए भी, और दूसरा चीज़ें अच्छी भी नहीं है, ऑप्शन भी कम है, तो बस यहाँ पे तो हम अब नहीं आएंगे, बोनस ही ठीक है। ये देखें, और हम कह रहे हैं मुझे दे दे मैं कर देता हूँ, और हम क्यों आप इतने जज्बाती हो रहे हैं। चले मौसम देखें, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया, कोई मजा नहीं आया हमें यहाँ पे, ये बस हमारी यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टाइम थी, हाँ, और हम नहीं मजा आया हमें यहाँ पे, हमने आइंदा नहीं आना यहाँ पे। ये देखें, टूथपिक की प्राइस 260, 200, इसमें पीसेस हैं, स्टिक्स हैं 200 और 260 की है, ये सऊदी अरब में 1 रियाल की मिलती है, और पाकिस्तान में भी कम ही होगी प्राइस मुझे पता है। अब ये हम की वही वाली शरारत शुरू हो गई है, ये देखें, अच्छी बाय बाय। ये कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी यहाँ से हमने की है, ये देखिए हमें क्या मिल गया है, मुझे पाकिस्तान की वो याद आ गई, वो होती थी बटर स्कॉच जो हम खाते थे, हाँ। और मुझे वो याद आ गई बटर स्कॉच अपनी, ये सेम वही है, ये वाली यार हम दें, इसे कहते थे मक्खन टॉफी। बाय बाय, मैं लेके जा रही हूँ। और ये चीजें हमने कुछ ली है, एक लौता टमाटर बचा हुआ था वो मैंने लिया, क्योंकि हमने बनाना है नेक्स्ट व्लॉग में, मैं अपनी बहुत ही एक फेमस रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो है काबली पुलाव की रेसिपी, कैसा बनाती हूँ मैं काबली पुलाव, तो उसकी मैं कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल डिश है मेरी। ये देखें, अरहम ये क्या है? अरे हम नहीं डरता। हाँ, ये यही सारे उस दिन अरहम और मैं गए थे ना बोनस, तो वहाँ पे भी ये सारे सेम है, ये लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स, ये भूत ऊपर आ जाएंगे सारे। ओ ये देखें, ये हलाल है, ये जो आंखें हैं खानी है, हलाल ऊपर हलाल का टैग लगा हुआ है, हाँ। ये लें गिफ्ट। ये देखें, ये स्काइज भी, कितना ये क्यूट है, इससे बंदा डरेगा नहीं। अरे हम आप बड़े होंगे फिर, अरे हमने भी बास्केट पकड़ी होगी, हाँ, और कैंडीज कलेक्ट करेंगे।
हाँ ये देखिए वही वाले स्केलेटन्स यहाँ इस बोनस में भी पड़े हुए, ये वो बोनस नहीं है, ये दूसरी बोनस है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पे ग्रॉसरी, क्योंकि मैंने कहा हमेशा आपको ग्रॉसरीज ना दिखाएं। ये देखिए पम्पकिन्स आ गए हैं, ओरिजिनल रियल वाले पम्पकिन्स हैं, इन्हें डेकोरेट करके गोस्ट बनाने के लिए। ये ठीक है, ये क्या हो गया था? ये देखें अंदर तो नहीं किसी चीज़, ये क्या कैसा हॉर्ड, और हम ये लें, ये देखें, और हम ये देखें, और हम उसे पारियां कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये किसी चीज़ से, और हम नहीं डरता। ये देखें हेलोवीन पम्पकिन्स आ गए हैं, इन पम्पकिन्स को आप लें, डेकोरेट करें, कितना मज़े का वैसे मुझे काम लगता है। हम सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं लेके ना इस पे कार्विंग करके इसे गोस्ट बनाऊं, अंदर से निकाल के हलवा बना लें और ऊपर से इसकी डेकोरेशन करें। हाँ ये देखिए अरहम को बिठा दिया है, अरहम कर रहा है डिनर अपना, और अदील गए हैं ये सामने फार्मेसी पे, क्योंकि अरहम के फीडर की निपल्स हमें चेंज करनी थी, वो लेने, और बारिश शुरू हो गई है और मैंने जल्दी जल्दी इस सीट पे कब्जा कर लिया है, ये वाली सीट छोड़ दी है अदील के लिए, तो ये मैंने जाने का ज़रा फ़ायदा उठाया है। मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है। तो ये चीज़ें लेनी थी यहाँ से अरहम के विटामिन्स, यहाँ पे विटामिन डी वैसे तो मिलता नहीं, तो ऐसे ज़रूर इंटेक होनी चाहिए। अभी तो हमें भी शुरू करना चाहिए, विंटर आ गए और अभी मस्त तो है। समर्स में कौन सा हमने विटामिन डी लिया है, समर्स में भी कहीं पे मुझे सन नजर नहीं आया, लाजमी जो है ना लेना चाहिए। ये देखें ये चीज़ें थी और हम ये देखें आपकी चीज़ें आ गई हैं, ओके, और हमने हेयर फेंकनी है। तो अब बारिश शुरू हो गई है, वैसे तो हम जा रहे थे वो प्यारी फ्रेंडली डक्स के पास, इतनी खूबसूरत सी जगह पे, लेकिन वो बारिश में भी अच्छी लग रही होगी बहुत ज्यादा, है ना? हाँ जी, लेकिन हम तो अच्छी लग रही होंगी लेकिन उन डक्स के पास जाके ठंड में हमारा कुकड़ बन जाएगा। तो ठीक है, लेकिन जाना इस दफा जरूर है क्योंकि मुझे वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। तो ये वाला व्लॉग क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमने ये डिसाइड किया, लेकिन यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट व्लॉग उस जगह का, तो वो वाला व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखना, मेरी अब तक की यहाँ की सबसे फेवरेट जगह है वो। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।